मानव समाचार मानवता के हक में। वेलकम टू मानव समाचार। मालेगांव शहर में आज एक बार फिर आपका हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए, हम लोग आए हुए मालेगांव शहर की कारपोरेशन, जिसे हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भवन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मालेगांव शहर के कांग्रेस पार्टी के सदर शेख रशीद साहब एक विषय को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने कारपोरेटर के साथ में मालेगांव शहर डिप्टी कमिश्नर नितिन कापंडी साहब के कैबिन के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। नारेबाजी भी यहां पर जोरों शोरों से जारी वो सारी नज़र आ रही है। राहुल नगर बराबर, इसके बाद में जाफर नगर, नाक्षा, फुलवाड़ी। लेकिन हम कम से कम दो तीन चार साल से ये समझा रहे हैं कि जो अधूरे जो लोग रह गए, जो यहाँ पे रह गए, जिनको मान्यता नहीं दी गई थी, जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था, उनको हमने पात्र कर दिया। बार बार ICDP की हम और आप लोग जो कमेटी की मीटिंग बार बार देते हैं, हर वक्त बैठता होता, हर वक्त ये बात होती है कि बस लगे होने के बाद में दो चार दिन के अंदर एप्लीमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन बस बात गई, मीटिंग खत्म, बात खत्म, फिर तुम कौन हम कौन, कोई काम शुरू नहीं होता। अब इसकी क्या गारंटी है ना कि तुम 9 तारीख से काम शुरू कर देंगे, फिर कल दिक्कत आएगी आप लोगों को, उन्होंने तो पैसे ही नहीं भरा है ना। फिर हमको पहले इंटीमेशन देना पड़ेगा, उनको फिर बोलना पड़ेगा कि आप लोग पैसा भरो, फिर जब वो पैसा भर देंगे फिर ड्राव खुलेगा और फिर उसके बाद हम उनको शिफ्ट करेंगे। ये वहाँ वो ये बात आ जाएगी, प्रोसीजर करना पड़ेगा। नहीं, गई ना बात, क्या बोले, प्रोसीजर करना पड़ेगा। 9 से पहले वो यानी गई बात ना, 9 से पहले तो प्रोसीजर करना ही पड़ेगा। करो ना, कैसा करने का, सब प्रोसीजर पूरा कर डालो। छुट्टी छुट्टी के अंदर भी आप ऐसे अधिकारी और बहुत सारे अधिकारी, बच्चा साहब जैसी भी है, सभी काम छोड़ रही है ना, आप जो अधिकारी भी है। लेकिन आप लोग छुट्टी के दिनों में भी हमने देखे कि लॉकडाउन के अंदर तुम लोगों ने छुट्टियों के दिन में भी काम करे, लॉकडाउन में पूरा पूरा काम करे। मुझे उम्मीद है कि तुम छुट्टी ना मनाते हुए शनिवार रविवार को भी काम करो, और लोगों को आज की तारीख में वो लोगों को पैसा भरने का इंटीमेशन दो, जो लोग जिनको पात्र कर दिया गया है। क्योंकि राहुल नगर के भी रस्ते काम शुरू करना वो वर्क ऑर्डर में होते हैं हमारे में तुम्हारे, है ना। राहुल नगर ऐसे ही जाफर नगर के भी रस्ते काम शुरू करना है, मुकुनवाड़ी के अंदर बस्ती बसेरी रह गई, इसीलिए वो आधा रोड बना हार्ड मिक्स रोड, तो उधर से एक सीमेंट रोड बना, एक हार्ड मिक्स रोड बना। लेकिन हुआ क्या कि तुम्हारे लोगों की कार्रवाई नहीं करने की वजह से वो लोग वहीं रह गए, है ना। लोग वहाँ भी रह रहे और यहाँ भी रह रहे, वहाँ भाड़े से रह दिए, यहाँ आके रह रहे, तो ये कैसे चलेगा। ठीक है, हमने तो ये भी करें कि भाई अगर भाड़े करीबी है उसको भी दे दो, क्योंकि गवर्नमेंट ने गरीब इंसानों के लिए बने, गरीब लोगों के लिए वो स्कीम थी। लेकिन मुझे लगता है 12 साल वो स्कीम के पूरे हो गए, गलती हमारी नहीं है और जो लाभार्थी उनकी भी गलती नहीं, तुम्हारे प्रशासन की गलती है। जहाँ से ये स्कीम शुरू हुई थी वहीं से उनका खाता, यानी लाभार्थियों का खाता ओपन करना था बैंक में, ताकि वो पैसे कब से भर देते थे। अब जब तुम लोग उनको इंटीमेशन देते, लेटर देते कि आप लोग पैसा भरो, देवी 400, अचानक में लोगों के पास थोड़ी रहता, गरीब बस्ती है, गरीब लोग हैं, गरीब हवा में। इसीलिए हमने ये डराव करा था कि 5000 रुपये पहले डप्पल और बाकी का 2 डप्पे के अंदर पैसा लेना और 5000 भर के वहाँ दे देना। लेकिन ये क्या बोलते हैं, बच्चा साहब एक दिन आके बोले कि साहब अगर 1 साल के बाद नहीं भरे तो, अभी नहीं भरे तो गरीब है दे देने का, ऐसी घुघट दे देने का। तुम्हारी गलती है ना, बच्चों की गलती होती है, बोलू ये शुरुआत से तुमको लाभार्थी का खाता अगर खोल देते तो ये बात क्यों आती। आज हम क्यों बार बार ऐसा डराव करते, क्यों हम बोलते कि 3 डब्बे है पैसा लो, हा? अमीर शहर का, अमीरों का गांव थोड़ी है ये, गरीबों का गांव है, मजदूरों का गांव है। अरे ऐसी बसा तो शायद सबको, अगर ये नहीं करेगा तो वही मैं करने वाला, आगे में वही होगा।
और इसके अंदर तो ये गांव बड़ा स्मार्ट है, इशारा करो, आवाज देने वाला भी नहीं बने, इशारा करो, अजी रो जाएंगे वहां अमीर गरीब सब खाली तो बोल दो। लेकिन अपन कैसा चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो हकदार लोग हैं वही जाए, सब मेरे ऐसे लोग अगर चले गए तो क्या मतलब है? पीछे तुम्हारा डिपू बसा था है ना, हुआ क्या कि गरीबों के लिए नहीं बसा, सब राजकीय लोग जाके बस गए थे। मेरे ऐसा मालिकम तो कहे चलता पेट्रोल फेंकते वहां तक चली गए, ये मारे घर देखो इतने लोग हाजिर है, मीडिया हाजिर है ना, उर्दू मराठी और ये चैनल वाले भी है, बराबर आप लोग भी है, सब हम गवाह है। 9 तारीख से आपका काम शुरू हो जाएगा पक्का साहब, गारंटी इंडिया के लोग को बसाए रास्ता खाली करके दी हो गया, ये मेरा डियर मेरी बात ना, 9 तारीख से कभी काम शुरू हो तो 10 तारीख को बैठ जाओ है ना, और अन्न छोड़ो कोई चले है ना, वो चलेगा फिर नहीं हुआ तो 4 दिन देखेंगे अन्न छोड़ो, क्योंकि चिकन मटन सब खाते रहेंगे हम, जब तक खाली की बंदी नहीं रहेगी, अनाज छोड़ के रहेगा। फिर उसके बाद अगर काम नहीं हुआ तो फिर मैं डायरेक्ट ओमर अलू पूछूंगा है ना, ये तुम्हारे लोग की जवाबदारी, मेरे को 9 तारीख से काम शुरू नहीं हुआ, 10 तारीख को मुझे तुम यही पाएंगे। क्या मकसद है, क्या विषय है इनके, क्या मकसद था आज यहाँ पर धरने पर बैठने का, ये तफसीली मालूमात और तफसीली गुफ्तगू करने के लिए आइए हम चलते हैं उनके पास में, आले जनाब शेख रशीद साहब से मुखातिब होते हैं और बात करते हैं कि क्या मकसद था आज के इस धरने आंदोलन का। आज का धरना आंदोलन इसलिए दिया गया कि पिछले 2 महीने के अंदर मैंने 3 लेटर मेरे लेटर हेड पर लिख करके आयुक्तों उपायुक्तों और सभी अधिकारी को लिख करके दिया कि राहुल नगर जाफरनगर कैनल का रास्ता नागछाप मुकुंदवाड़ी यहाँ से लोगों को, जिन लोगों ने पैसा भरा था लाभार्थी ने, उन लोगों को बाकायदा वहाँ बसा दिया, कुछ लोग जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था है ना कोई वजह से, लेकिन उनको भी हमने ICDP की जो कमेटी बनी हुई है यहाँ पर महापौर की अध्यक्षता के अंदर और आयुक्तों के इसके अंदर, उसकी कई मीटिंगें हो गई, लॉकडाउन के बाद भी हुई, लॉकडाउन से पहले भी हुई, लेकिन अधिकारी उसका इम्प्लीमेंट करते नहीं, लोगों को वहाँ ले आके बसाते नहीं, जो लोग रह गए हैं उनको भी बाकायदा उसके अंदर पात्र कर दिया गया कि उनको भी भाड़े करीबी है तो क्योंकि वो ज़रूरतमंद है उनको भी दे दिया जाए, और उनको जो पिछले 2-3-4 महीना पहले महासभा के अंदर ठहरा हुआ था लॉकडाउन के फौरन बाद, लॉकडाउन के बाद जो पहली मीटिंग हुई थी तो 5,000 रुपया 23,400 जो लाभार्थी को भरना था वो 3 किस्तों में वसूल करना, 5,000 पहला लेकर के लोगों को वहाँ शिफ्ट कर देना और बाकी का पैसा बचा हुआ पैसा 2 टाइम में उनसे वसूल करना, ऐसा कॉरपोरेशन ने ठहराव किया। उसके बाद भी मैंने 3 पत्र दिया कि इसके अंदर कोई इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है, आप उनको वहाँ ले आके बसाओ, तीनों मेरे पत्र का आज तक कोई जवाब नहीं दिया कि मैं अन्न सुड़न उपोषण करूँगा, कोई जवाब नहीं दिया गया। अधिकारियों को इतनी लापरवाही करने की हिम्मत कैसे आ जाती है कि आपके 3-3 लेटर देने के बाद? ऐसा है कि अधिकारी प्रभाग अधिकारियों के ऊपर डालता है, प्रभाग अधिकारी चीफ इंजीनियर और बाकी अधिकारियों पर डालते हैं, और इनके आपस के अंदर इत्तेफाक नहीं होने की वजह से जानबूझ करके, चाहे वो राजकीय लोग हो चाहे वो आम जनता हो, सबको इनका नुकसान होता है, उठाना पड़ता है, और इसको ही ख्याल रखते हुए आज हम लोगों ने इसका धरना आंदोलन हमारे कार्यकर्ताओं ने और मैंने और हमारे कार्यपटरों ने यहाँ पे दिया है। ये स्कीम जब 1999 के अंदर मैं आमदार हुआ, 10 साल आमदार रहने के बाद 2009 साल के अंदर इसका संगे बुनियाद रखा गया और 500 करोड़ की स्कीम 16,000 घर कुलों के लिए गवर्नमेंट ने मंजूर करी, पैसा के साथ रिलीज हुआ, 500 एकड़ ज़मीन सेती महामंडल की
गवर्नमेंट ने बिना मूल्य यानी मुफ्त में कॉरपोरेशन को हैंडओवर कर दिया। और उसी वक्तों से जितने भी रास्तों के ऊपर बसे हुए लोग हैं वो लाभार्थियों का खाता यहाँ के कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने लाभार्थियों का बैंक खाता खोलना चाहिए था धीरे धीरे, ताकि वो लोग पैसा भर देते, एक साथ उनको पैसा भरना नहीं था। 23,400 के अंदर एक साथ भरना ही नहीं था। ये अगर खाता खोल देते तो 500-500 रुपया उनका इंस्टॉलमेंट जमा हो जाता, जैसा BC लगती है वैसे बैंक में, और वो डायरेक्ट पैसा जमा होता, इनको डायरेक्ट वहाँ बनने तक भरा जाता और इनको डायरेक्ट बसाया जाता। लेकिन अब जैसे अगर इनको इंटीमेशन देते, इनको लेटर देते कि भैया अब आपको वहाँ जाना है, आपका ड्राफ्ट खोलना है, आप पैसा भरो, तो क्योंकि मजदूर है ना, और उनके पास अचानक में 23,000-25,000 पैसा रहता नहीं। इसके लिए हमने सहूलत दिया, महासभा में ठहराव किया है किराए से कि इनका 5,000 भर के और बाकी 2 डब्बे के अंदर पैसा लेके 23,400 रुपये वसूलना और उनको वहाँ 5,000 लेके बसा देना। उसके ऊपर मैंने 3 लेटर दिया, आज तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। अब आयुक्त तो साहब बोल रहे उपाय, आयुक्त तो नहीं, उपायुक्त ने ऐसा बोला और बचाव साहब ने कि हम 8 तारीख को जो एक ज़मीन है जिसके ऊपर कॉरपोरेशन की 3 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पे 30-40 झोपड़े बन गए, उसका पुलिस बंदोबस्त मिल रहा है, वो हम पहले खाली करेंगे और 9 तारीख से इन लोगों को उठा करके वहाँ बसाएंगे। अगर 9 तारीख तक नहीं, तो 9 तारीख तक उन्होंने ऐसा बोला है कि अभी जो बाकी का प्रोसीजर है, जैसे उनको लेटर देना, उनसे 5,000 भरवा लेना है ना, वो प्रोसीजर पूरा कर लेंगे 8 तारीख तक, और 9 तारीख से काम शुरू करेंगे। 9 तारीख से काम अगर नहीं शुरू करें तो मैंने उनको यही बोल दिया हूँ कि 10 तारीख से मेरा अन्न छोड़ून ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, महापालिका गेट पर होगा, अब अंदर नहीं होगा। अंदर ऐसे करते भी नहीं, लेकिन अब बहुत सारे लोग यहाँ करने लगे, अपोजिशन आती यहाँ पे क्रिकेट खेलती है ना, तो मैंने चलो भाई मैं शांतिपूर्ण तरीके से नहीं, लेकिन ये वर्ल्ड कप नहीं रहता है, तो खाली हम दिखावे के लिए नहीं करते, हम काम करने वाले लोग हैं है ना। तो ये एक शांतिपूर्ण तरीके से हमारा काम था, लोगों के फायदे का काम था। ये इनके ये अधिकारी इनके जेब से या कॉरपोरेटर या लीडर अपनी जेब से नहीं दे रहे, ये गरीबों का हक है, उनकी जवाबदारी हमारी भी और ये अधिकारियों की भी, पुलिस डिपार्टमेंट की भी और प्रांत अधिकारी की। ऐसा नहीं कि पुलिस डिपार्टमेंट बंदोबस्त नहीं देगा है ना, प्रांत बोलेगा मेरा काम नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट बोलेगा हमारा काम नहीं है, तो फिर काम किसका है, पब्लिक का है, जनता का थोड़ी है। इसके लिए सबकी जवाबदारी है, गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए सबने एक होकर के काम को अच्छे ढंग से निभाना, ऐसी जवाबदारी सब अधिकारियों की है। ये थे मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आली जनाब शेख रशीद साहब, जिन्होंने आज के धरने के मकसद और उसके ताल्लुक से तमाम तफसील बताई। दूसरी बात एक यहाँ पर यह समझ में आती है के मालेगांव शहर के अंदर कमिश्नर साहब को आए हुए 1 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन शहर की आवाम के बीच में एक बात हमेशा ये गश्त करती रहती है कि कमिश्नर साहब ने आज तक कभी भी मालेगांव शहर का दौरा नहीं किया, मालेगांव शहर की आवाम ने किसी भी सड़कों पर मालेगांव शहर के कमिश्नर को घूमते हुए नहीं देखा। क्या वजह है इसकी, कमिश्नर साहब सिर्फ ऑफिस में बैठकर ही काम करते हैं, शहर में क्यों नहीं निकलते, ये एक बड़ा सवाल कमिश्नर साहब के लिए है। अब हम जुड़े रहेंगे उसके ऊपर और आप देखते रहिए मानव समाचार और इंतज़ार करिए कमिश्नर साहब के इस सवाल के जवाब का कि वो शहर में कब निकलेंगे शहर की आवाम के बीच, शहर की सड़कों पर। मैं जाबिर शाह, कैमरामैन अरबाज खान के साथ।